गणतंत्र दिवस समारोह में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत आएंगे या नहीं आएंगे, इस पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। व्हाइट हाउस ने बताया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत की यात्रा करने के लिए न्योता मिला है, लेकिन इस पर अभी उन्होंने कोई फैसला नहीं लिया है। हमारे देश की परंपरा रही है कि गणतंत्र दिवस समारोह के लिए अन्य देशों के प्रमुखों को निमंत्रण भेजा जाता है। इस साल आसियान में शामिल 10 देशों के प्रमुखों ने गणतंत्र दिवस में शिरकत की थी। वहीं अगले साल होने वाले गणतंत्र दिवस के लिए भारत की तरफ से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अप्रैल में न्योता भेजा गया था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने भारत का निमंत्रण स्वीकार किया या नहीं किया, इस पर अभी भी संशय बना हुआ है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव सारा सैंडर्स ने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप को भारत की यात्रा करने के लिए न्योता मिला है, लेकिन उन्होंने अभी तक इस पे कोई फैसला नहीं लिया है। वैसे डोनाल्ड ट्रंप अगर मुख्य अतिथि के तौर पर भारत आते हैं तो ये भारत के लिए कूटनीतिक स्तर पर बड़ी कामयाबी होगी, क्योंकि हाल ही में ईरान से कच्चे तेल का आयात कर रहे भारत को ट्रंप प्रशासन ने प्रतिबंध की धमकी दी है। सरकार को उम्मीद है कि ट्रंप के भारत आने से अमेरिका से संबंध बेहतर होंगे। ऐसे में वॉशिंगटन भारत को ईरान से संबंध रखने के बावजूद कुछ छूट दे सकता है। आपको बता दें कि साल 2015 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा मोदी सरकार के अतिथि बने थे। वहीं अब डोनाल्ड ट्रंप भारत आते हैं या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।